यूट्यूब देख रहे सारे ही दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं तो लिए एक बहुत ही वधिया रेमेडी लेके आया हाँ। जे थोड़े तो गोडे दर्द करते हैं, तुहानू पौड़ियां चढ़न विच दिक्कत आउंदी है, उठन बैठन विच दिक्कत आउंदी है, जे थोड़े तो गोडियां दे विच चोट लगी है, वधदी हुई उम्र के कारण थोड़े तो गोडियां दे विच दर्द रहिंदा है, तो दोस्तों अज के इस वीडियो दे विच मैं तुहानू गोडियां दे दर्द तो छुटकारा पाउण दा एक बहुत ही आसान जिहा नुस्खा दसूंगा। तो दोस्तों तुहाडा गोडियां दा दर्द बहुत ही जल्दी गायब होगा। तो दोस्तों आओ बिना किसी देरी दे इस नुस्खे नूं जान लेने हां। तो दोस्तों इस नुस्खे नूं तैयार करन दे लई आपां नूं दो चीजां दी आवश्यकता होगी। पहली चीज है दोस्तों सौंड दा पाउडर। तुसीं बाजार दे विचों पिसी पसाई सौंड भी खरीद के लैके आ सकते हो, या फिर तुसीं अदरक नूं सुका के उसका घर दे विच वी पाउडर बना सकते हो। तो दोस्तों इस नुस्खे दे विच तुहानूं लगभग एक चम्मच सौंड दा प्रयोग करना है। दोस्तों इस नुस्खे नूं तैयार करन दे लई तुहानूं दूजी चीज जो इस दे विच मिलाउणी है ओह है दोस्तों सरों दा तेल। तुसीं इस दे विच एक तो दो चम्मच सरों दे तेल नूं मिलाउणा है। तो दोस्तों इत्थे मैं इस दे विच एक तो दो चम्मच सरों दा तेल मिला लैंदा हां। तो दोस्तों इन्हां दोनों चीजां नूं मिलाउण तों बाद तुसीं इस नूं चंगी तरह नाल मिक्स कर लवो, एक पेस्ट दी तरह तैयार कर लवो। तो दोस्तों इस नूं चंगी तरह नाल मिक्स करन तों बाद यह अपना नुस्खा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हुण मैं तुहानूं दस दिंदा कि जे तुहाडे गोडियां दे विच दर्द है तां इस नुस्खे दा प्रयोग तुसीं किवें करना है। जे तुहाडे गोडियां दे विच चोट लगी है, वधदी हुई उम्र दे कारण तुहाडे गोडियां दे विच दर्द रहिंदा है, जे तुहाडे गोडियां दे विच झनझनाहट रहिंदी है, तां तुसीं इस नुस्खे नूं बनाओ अते गोडियां दे उत्ते इस पेस्ट नूं लगाओ। तो दोस्तों दिन दे विच तुसीं किसे भी टाइम आपदे गोडियां दे उत्ते इस पेस्ट दी नाल मालिश करनी है। 2 तों 3 मिंट तक तुसीं चंगी तरह नाल गोडियां दे उत्ते मालिश करनी है, अते उस तों बाद तुसीं कपड़े दी सहायता दे नाल गोडियां नूं बन्न लेना है, यानी कि गोडियां दे उत्ते तुसीं कपड़े नूं बन्न लेना है। तकरीबन अद्धा घंटा तुसीं गोडियां दे उत्ते कपड़ा बन्न के रखना है, अते उस तों बाद तुसीं कोसे जिहे पानी दे नाल आपदे गोडियां नूं साफ कर लेना है। तुसीं ठंडे पानी दा इस्तेमाल नहीं करना, तुसीं कोसे जिहे पानी दा इस्तेमाल करना है, अते उस तों बाद दोबारा तों तुसीं इस पेस्ट दा इस्तेमाल 1 घंटे बाद करना है। बिल्कुल सेम तरीके नाल तुसीं इस दा उपयोग फिर करना है, यानी कि दिन दे विच तुसीं 1-1 घंटे दे अंतर दे नाल तुसीं 3 वारी इस दा प्रयोग करना है। तो दोस्तों यह बहुत ही कारगर नुस्खा है, सिर्फ 1 वार दे इस्तेमाल दे नाल तुहानूं गोडियां दे दर्द तों काफी हद तक आराम मिलेगा। बिल्कुल ही चमत्कारी तरीके दे नाल तुहाडा गोडियां दा दर्द गायब हो जाएगा। तुसीं इस नुस्खे दा प्रयोग जरूर करके वेखो, क्योंकि जिन्ना जिन्ना लोकां ने भी इस दा इस्तेमाल कीता है उन्हां नूं बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हन, अते तुसीं उहदे गोडियां दे दर्द तों छुटकारा पाओ ते अपने जीवन नूं निरोग बना लवो। तो दोस्तों तुसीं हेल्दी रहो यही मैं चाहुंदा हां। अज दी वीडियो दे विच इन्ना ही, जे तुहानूं इह टिप्स इह जानकारी वधिया लगी तां इस वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना, अते जेकर तुसीं अजे तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तां सबसक्राइब कर लवो, अते इस वीडियो नूं देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।